तू बचेगा नहीं मॉन्स्टर हल्क के बेटे ब्लैक मॉन्स्टर हल्क। आज तुम सभी के सभी भाइयों को मैं खत्म कर दूंगा, तुम लोगों का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तूने तो मेरे सारे मॉन्स्टर हल्क भाई लोगों को किडनैप कर लिया और मुझे भी पकड़ लिया तूने। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे लिटिल सिंघम, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे बाप को पता चलेगा ना तो सबसे पहले तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा और तेरे भाई लोगों का भी। छोड़ दे मुझे। अरे अरे अरे, ये तो मॉन्स्टर हल्क को भी पकड़ कर लेकर आ गया, ब्लैक मॉन्स्टर हल्क को, सबको पकड़ के लेकर आ गया हूँ, बस यही बचा हुआ था। सो गाइस देख सकते हो मैंने जितने भी मॉन्स्टर हल्क के ना सभी को मैंने पकड़ लिया, मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोगों को पकड़ के इस जेल के अंदर कैद कर दिया है गाइस, क्योंकि ये लोग शहर में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मचा रहे हैं, हर तरफ गुंडागर्दी कर रहे हैं गाइस। तो मैंने सोच लिया है गाइस इनका किस्सा ही ख़त्म कर देना है। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हल्क के बेटे लोग थे ना सबको मैं पकड़ लिया हूँ और जेल के अंदर जो है मैंने कैद कर दिया है गाइस। और इस जेल से ये लोग नहीं निकल सकते क्योंकि ये ऐसी वैसी कोई जेल नहीं है गाइस, अगर कोई चाहेगा भी तब भी नहीं निकल सकता, बहुत ही मजबूत तरीका का ये जेल है। तू कुछ भी कर ले लेडी सिंघम, हम इस जेल को हम सारे के सारे मॉन्स्टर हल्क भाई लोग मिलकर तोड़ देंगे और निकल जाएंगे। अरे बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम लोगों को मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर उस चीज़ को चारों ओर मैं छिड़क दूंगा ना तो कोई भूत प्रेत राक्षस कोई भी इस जेल से नहीं निकल पाएगा। अभी मैं वो चीज़ निकालता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं, मेरा पापा जी मॉन्स्टर हल्क आते ही होंगे, वो तेरा कचुम्बर बना देंगे, तेरा चटनी बना देंगे लिटिल सिंघम। तू ज़्यादा उछल मत, मेरे सारे भाई लोगों को तूने किडनैप कर लिया है और मुझे भी, एक बार बस मेरे पापा जी आ जाए फिर तुझे सबक सिखाएंगे और मेरे पापा जी हमें इस जेल से ज़रूर आज़ाद कराएंगे। ब्लैक मॉन्स्टर हल्क तूने पापा जी को बताया कि नहीं कि हमें इसने किडनैप कर लिया है? और मैंने तो बता दिया पापा जी को, पापा जी पहुँचते ही होंगे यहाँ पे, फिर इस लिटिल सिंघम की बैंड बजा डालेंगे। हा, बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई यहाँ पे पहुँचता भी है ना तो उसको रैम चैलेंज कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा और आज तक इस रैम चैलेंज को कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। अगर इसका पता भी बता दोगे ना फिर भी कुछ नहीं करने वाला तेरा पाप। सो गाइस देख सकते हो मेरे हाथ में है ना ये जो डिब्बा देख रहे हो ना, इसके अंदर जादुई पानी है। अगर इस जादू पानी को मैं चारों ओर पिंजरे के बाहर छिड़क दूंगा ना तो ये लोग पिंजरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे गाइस, इस जेल के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये जो पानी है ना जादुई पानी बहुत ही ताकतवर जादुई पानी है गाइस। इससे जो है भूत प्रेत पिशाच और राक्षस वगैरह ये लोग इसके बाहर नहीं जा सकते। अगर मैं यहाँ पे गोल सा एक राउंड शेप का कुछ बना दूँ तो देख सकते हो मैंने पानी फेंक के चारों ओर इसको छिड़क दिया है गाइस, अब इसके बाहर ये नहीं निकल सकते। अरे तू कहाँ जा रहा है लेडी सिंघम, हमें ऐसे कैद नहीं कर सकता, हम मर जाएंगे ऐसे तो, यहाँ पे कितने दिन रहेंगे भूखे प्यासे। छोड़ दे लिटिल सिंघम, माफ़ कर दे। बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों ने बहुत परेशान किया हम सभी भाइयों को। सो गाइस इन मॉन्स्टर हल्क ने हमारे नाक में दम करके रखा था कि कोसी बासिन चान और मुझे डेली ये लोग पीटते रहते थे, किडनैप करते रहते थे। आज मैंने इसका किस्सा ही खत्म कर दिया, मैंने जेल के अंदर कैद कर दिया गाइस। अब जल्दी से मुझे घर जाना पड़ेगा फटाफट से। अरे लिटिल सिंघम तू बचेगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सारे बच्चों को किडनैप करने की? ये लिटिल सिंघम का घर आ गया हूँ मैं आखिरकार, अब उस लिटिल सिंघम को छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, सारे के सारे उसके भाई ऊपर ही है। ये कौन है? ये तो मॉन्स्टर हल्क है। अली बाबले भागो भागो शिनचान शिबो जल्दी से भागो, इसमें तो मुझे पकड़ लिया और मुझे भी पकड़ लिया, केको बचाओ मुझे बचाओ। अली हाल मैं कैसे बचाऊं? कैसा लग रहा है शिबा और शिनचान, अब तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे बच्चे लोगों को उस लिटिल सिंघम ने कैद कर लिया है, कहीं ले जाकर कैद करके रख दिया है, अब मैं तुम सभी को मार डालूंगा। मर गया रे, छोड़ दो मुझे मॉन्स्टर हल्क, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। कीको अब तू मरेगा मेरे हाथ से। अली बापले छोड़ दो, यहाँ पे क्यों आए हो? अली छोड़ दो, लिटिल सिंघम भैया को पता चलेगा तो वो तुम्हारा चटनी बना देगा। छोड़ दो मुझे मॉन्स्टर हल्क, छोड़ दो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो, क्यों लेकर आए हो, क्यों आए हो यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से मॉन्स्टर हल्क, नहीं तो तुम बचोगे नहीं। लिटिल सिंघम भैया आते ही होंगे, तुम्हारा बैंड बजा डालेंगे। हा
बता दे कहाँ पे लेडे सिंगम ने मेरे बच्चे लोगों को कैद करके रखा है, बता नहीं तो तुझे मार डालूंगा। बोल कौन सी जगह पे कैद करके रखा है, नहीं तो पीट पीट के तेरा दलिया बना दूंगा, तेरा चटनी बना दूंगा, बता की को। हले हले बता दो मुझे छोड़ दो तो पहले। हाँ, मुझे पता है अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो तू भाग जाएगा। बता कहाँ पे कैद करके रखा है मेरे बच्चे लोगों को उस लेडल सिंगम ने, बोल। हले बताता हूँ आसमानों की ऊंचाइयों में काली पहाड़ी के ऊपर लिटिल सिंगम भैया ने अपना एक न्यू अड्डा बनाया है, रैम चैलेंज बनाया, उसी में फिनिश लाइन के वहाँ पे कैद कैद के रखा है। मर गया रे, आउच, कितना जोर जोर से मार ले हो, मर जाऊँगा मैं, छोड़ दे मुझे, मैंने तो पता भी बता दिया, छोड़ो मुझे लिटिल सिंगम भैया, बचाओ। आखिरकार मुझे पता चल ही गया इस लिटिल सिंगम ने मेरे बच्चे लोगों को कहाँ पे कैद करके रखा है, पर वो रैम चैलेंज तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, पर एक उपाय है, वो किरानी बहुत अच्छा रैम चैलेंज कंप्लीट करती है, उससे मदद मांगता हूँ मैं। किरानी कहाँ पे हो, मैं आज तुमको माला माल कर दूँगा, तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे लाया हूँ, किरानी आ जाओ यहाँ पे, कहाँ पे हो किरानी, जल्दी से आओ। ये मॉन्स्टर हल्क क्यों आया है मेरे घर में? अरे क्या हो गया मॉन्स्टर हल्क, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या बात है? अरे बाप रे, इतने सारे पैसे मेरे घर के बाहर, अरे बाप रे, कौन लेकर आया है मॉन्स्टर हल्क? मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए इनाम है, अगर तुम मेरे बच्चे लोगों को बचाओगी ना उस लिटिल सिंगम के अड्डे में जाके रैम चैलेंज को कंप्लीट करके मेरे बच्चे लोगों को बचाओगी तो ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, मैं तुमको दे दूंगा, मेरी मदद करोगी रानी? उस लिटिल सिंगम ने मेरे सारे बच्चे लोगों को किडनैप करके उस रैम चैलेंज के फिनिश लाइन में कैद करके रखा है जेल के अंदर, अगर तुम उन सबको आज़ाद करोगी तो तुमको माला माल कर दूंगा, ये सारे के सारे पेटी भर भर के पैसे मिलेंगे तुमको। पैसे के लिए तो मैं कुछ भी करूंगी, हाँ मैं तुम्हारे बच्चे लोगों को आजाद करूंगी मॉन्स्टर हल्क, ठीक है तुम यहाँ पे रहो, मैं अपना काम करके आती हूँ तुम्हारे बच्चे लोगों को आजाद करके। वैसे भी वो लिटिल सिंगम तो मेरा दुश्मन है, उसका उससे बदला लेने में तो और मजा आएगा, ऊपर से पैसे भी मिलेंगे। आ रही हूँ मैं मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोग, तुम सभी को आजाद करने। अरे गाइस मैं घर आ चुका हूँ, बहुत टाइम लग गया यार, अरे क्या कर रहे सभी लोग, अरे रो क्यों रहे हो, क्या हो गया सिंचन? अरे लिटिल सिंगम भैया घर में वो मॉन्स्टर हल्क आया था और उसने हमें बहुत पीटा, खास करके मुझे बहुत पीटा, मेरे कमर को तोड़ दिया उस मॉन्स्टर हल्क ने, और उसने पूछा उस रैम चैलेंज का पता, तो मैंने बता दिया। अरे क्या किया तुमने, की को तुमको बताना नहीं चाहिए था, पहले वो तो मुझे बहुत पीट रहा था ना, इसलिए मैंने उसको बताया। चलो कोई बात नहीं, वैसे रैम चैलेंज में मैंने पूरे अड्डे में ना सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है, चलो घर जाते हैं, और पूरा माइक वाइक भी सब कुछ सेट किया हुआ है वहाँ पे, वो लोग मेरा आवाज़ भी सुन पाएंगे। चलो आ जाओ जल्दी से सभी भाई मिलकर, देखते हैं आखिरकार कौन पहुँचा है वहाँ पे रैम चैलेंज पे, चलो आ जाओ फटाफट से। आखिरकार मैं इस लिटिल सिंगम के अड्डे में पहुँच गई हूँ, इस रैम चैलेंज को मैं कंप्लीट करके रहूंगी, मजा आएगा, आज तो मैं मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोगों को बचा लूंगी इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करके, फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे गाइस ये गिरानी तो पहुंच चुकी है रैम चैलेंज में, अरे भाई मतलब उस मॉन्स्टर हल्क ने गिरानी को बहुत सारे पैसे दिया है गाइस इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करके उसके बच्चे तक पहुंचने के लिए गाइस, और उसके बच्चे लोगों को आजाद करने के लिए। अरे बाप रे अब क्या होगा? अरे गाइस अब तो ये ग्रैनी लगता है जीत जाएगी, अगर आप लोग चाहते हो ये ग्रैनी इस रैम चैलेंज को कंप्लीट ना कर पाए तो प्लीज़ गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अरे हाँ गाइस आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, कीको सही बोल रहा है। अरे यार ये ग्रैनी चुड़ैल तो आगे बढ़ती जा रही है लिटिल सिंगम भैया, अब क्या होगा? कहाँ से गिर जाए फटाक से, मैं तुम लोगों का आवाज सुन पा रही हूँ लिटिल सिंगम की सिंचन, कोई फायदा नहीं, तुम लोग जितना भी दुआ करना चाहते कर लो, पर मैं ये रैंक चैलेंज कंप्लीट करके रहूंगी और उस मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोग
लोगों को जात करके रहूंगी। ओहो, यहाँ पे इस स्पाइडरमैन का डुप्लीकेट भी बनाया है लिटिल सिंघम ने। ये ले, देख रहा है मेरा स्टाइल, मारने का स्टंट करते हुए मैं लोगों को मारती हूँ। अरे गाइस, ये गिरानी तो बहुत खतरनाक निकली, ये तो एक के बाद रैम चैलेंज कंप्लीट करती जा रही है। अरे भाई, ये तो अब सुपरमैन को भी मारने वाली है। सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा, ना सुपरमैन ना स्पाइडरमैन, कोई नहीं बचने वाला। ये देखो कितना मस्त स्टंट करती हूँ मैं, मेरे जैसा स्टंट करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। बाप रे, ये गिरानी तो सुपरमैन के डुप्लीकेट और स्पाइडरमैन के डुप्लीकेट को भी मार दी। अब क्या होगा लिटिल सिंघम भैया? अरे गाइस, अब मैं क्या ही बोलूँ, सिंचन मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ग्रैनी तो बहुत चालाक लग रही है, इसीलिए इस ग्रैनी को उस मॉन्स्टर हल्क ने पैसा दिया है। मॉन्स्टर हल्क को पता था कि ये ग्रैनी ये रैम चैलेंज कंप्लीट कर लेगी। पर गाइस, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये रैंप ना बहुत ही बड़ा है। अभी ये आसान तरीके से पार कर रही है, पर आगे और भी ज़्यादा खतरा है गाइस। क्या पता आगे ये कंप्लीट ना कर पाए इस रैंप चैलेंज को, और ये गिर जाएगा इस पानी में, और इसको शार्क ब्रेक वगैरह खा जाएगा इस बुरी तरीके से। मैं इस रैंप चैलेंज को कंप्लीट करके रहूंगी, कुछ भी आ जाए लिटिल सिंघम, जितना बोलना है बोल ले। अरे गाइस, क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो गाइस, फटाफट से, तभी ये नहीं कर पाएगी रैम चैलेंज कंप्लीट। जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर लो, अगर वो मॉन्स्टर हल्क लोग आजाद हो जाएंगे गाइस तो बहुत बुरा होगा। वो सारे के सारे भाई लोग मिलकर हम सभी के ऊपर गाइस अटैक कर देंगे, और ये पूरे के पूरे शहर में भी अटैक कर देंगे गाइस। फिर क्या होगा बोलो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दो इस वीडियो को, बोल दो उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए गाइस। और यार कीको, तुम तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे लिटिल सिंघम भैया, आइए, ये गिरानी तो टायर के ऊपर से भी चढ़कर जा रही है, लगता है ये रैंप चैलेंज कंप्लीट कर लेगी। अरे सिबा, देखते हैं अब क्या होता है आगे, तो और भी खतरा है आगे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा रैंप चैलेंज है, इसको नहीं कंप्लीट कर पाएंगे ये गिरानी। जितना मुंह चलाना है लिटिल सिंघम चला ले। ये देख, अरे बाप रे, ये बिंगो कितना बड़ा है, मन कर रहा है कहाँ जाऊँ इसको। अरे यार कितने सारे बोतल है, आज तो मैं बहुत बड़ी अमीर बनने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। मॉन्स्टर हल्क मेरे लिए बहुत सारे पेटी भर भर के पैसा लेकर आया है, बस एक बार उसके बच्चे लोगों को मैं आजाद कर दूं, फिर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, और पैसा ही पैसा होगा मेरे पास तो। आ रही हूँ मैं, मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोग घबराओ मत, आज तुम लोगों को मैं आजाद करके रहूंगी इस जेल से। अरे गाइस, ये तो आगे बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा भैया? मुझे डर लग रहा है, कहीं मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोगों को इसने आजाद कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा, हमें तो बहुत पीटने वाले हैं ये लोग, धोबी पिछाड़ और चटनी बना देंगे हम सभी का तो। अरे सिंचन, तुम डरो मत, मेरे अंदर सुपर पावर है, एक बार मेरे से लड़के दिखाए लोग, इन लोगों की मैं कचुम्बर बना दूंगा, ठीक है ना? आयरन मैन का डुप्लीकेट मर जा, अब ये सुपरमैन भी मर गए। देखो गाइस, कैसे स्टंट करते हुए मैं लोगों को मार रही हूँ, तू कर पाएगा लिटिल सिंघम मेरे जैसा स्टंट? तू कुछ नहीं कर पाएगा, नूबड़ा है तू, नूब है एक नंबर का। अरे बाप रे, एक के बाद ये देखो गाइस, कैसे स्टंट करते हुए मैं बाइक को चला रही हूँ, मजा आ गया ना? सबके सब कमेंट सेक्शन में लिख दो ग्रैनी। ये देखो निकल गई। अरे गाइस, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो ग्रैनी है ना रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लेगी, तो सबके सब लिख दो यस कमेंट सेक्शन में गाइस। और जिसको भी लगता है ये रैम चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाएगी, तो प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में लिख दो नो, ठीक है ना? फटाफट से लिखो गाइस आप सभी के सभी। इस बॉल को भी फेंक देती हूँ, ये देखो बॉल नीचे गिर गया है, कितना बड़ा बर्गर है, किस किस का मन कर रहा है इस बर्गर को खाने का? मन तो मेरा कर रहा है इस बर्गर को खा जाऊं मैं, मन मन करके। गाइस, ये चुड़ैल तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, देख लो सारे का सारा रैम चैलेंज कंप्लीट करती जा रही है। और यार
शिनचैन अब क्या होगा? अरे गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो फटाफट से अपने कोमल कोमल हाथों से। अरे यार ये ग्रैनी तो बस पहुंचने वाली है गाइस। अरे नहीं नहीं नहीं, आगे तो और भी बहुत सारा तेरा मेरा सा चैलेंज है गाइस। देखो देखते हैं क्या पता वो लास्ट की तरफ नीचे गिर जाए गाइस, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अरे गिर जा तू चुड़ैल गिर जा। कीको के बच्चे रुक, तेरी मैं ऐसे की तैसी कर दूंगी। एक बार ये रन चैलेंज कंप्लीट करके मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोगों का चैट कर दो, फिर हम सभी लोग मिलके तेरे घर में हमला बोल देंगे और सबको मार डालेंगे। बाप रे कितना बहुत सारा डायमंड है, बहुत ही बड़ा बड़ा डायमंड है। ये देखो यहाँ से भी निकल गई मैं, मजा आ गया। अरे बाप रे ये ग्रैनी आ गई यहाँ पे। तुम्हारे पापा जी ने मुझे भेजा है तुम लोगों को आजाद करने के लिए, अब सबको आजाद करूंगी। अरे इस जेल को खोलो, अगर इस जेल को नहीं खोलोगी तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे। जल्दी से खोल दो, खोलो जल्दी से ग्रैनी। अभी खोलती हूँ, अब जल्दी से चलो। और मैंने उस जादू पानी को भी मिटा दिया है, फटाफट से सबको सबको जाओ आ जाओ, पानी में गिरो कुछ नहीं होगा। पानी में सबके सब गिरो और पैराशूट ऑन कर लेना। सो गाइस देख सकते हो ये ग्रैनी तो मॉन्स्टर हल्क के बच्चे लोगों को आजाद कर दी गाइस। अब ये पता नहीं गाइस कहाँ पे हमला करेगी इन सभी के साथ मिलकर। गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो गाइस।